नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अंकुर अस्थाना अपने खास चैनल क्यूरन ही आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको लगातार बीमारियों से रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि उसका उपचार क्या है और उसका सही तरीका कैसे आप अपने घरेलू विधियों द्वारा इस्तेमाल कर सकें और इस बीमारी से बच सकें। लेकिन आज का जो विषय है जिसपे हम चर्चा करेंगे वो करेंगे फिटनेस को लेकर, और जिस खिलाड़ी की आज बात की जाएगी उसकी फिटनेस ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चिंता का सबब बनी है। और जिसकी फिटनेस चिंता का सबब बनी है वो कोई और नहीं, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं, जिनकी लगातार खराब फिटनेस उन्हें परेशानी में डाल रही है, साथ ही साथ टीम इंडिया को भी परेशानी में डाल रही है। उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि दूसरे टेस्ट में भी लॉर्ड्स में टीम इंडिया की बुरी और शर्मनाक हार हुई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स हेड अभिलाष पांडे जी और क्यूरन हेड रिजवान खान जी। दोनों से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं रिजवान जी आपसे, और बात होगी कि जैसा विराट कोहली का फिटनेस है, उनको लगातार तकलीफें हैं। अभी जो सूचना मिली वो ये मिली कि उन्हें पीठ में दर्द है, तो ये कैसा दर्द है, क्या उनके लगातार खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए अंकुर जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो भारतीय कप्तान विराट कोहली फिलहाल जिससे यानी कि अगर देखा जाए तो जो दर्द हो रहा है फिलहाल वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। अब चाहे बात की जाए खुद विराट कोहली के लिए या फिर बात की जाए भारतीय टीम के लिए, कहीं ना कहीं जिस तरह के इन प्लेयर्स माने जाते हैं, जिस तरह के खिलाड़ी माने जाते हैं विराट कोहली को, उसी तरीके से जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। और उसका परिणाम अब फिलहाल भारतीय टीम पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जो हार हुई है 159 रनों से, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है विराट कोहली के इस दर्द की वजह से। जी जी बिल्कुल, कप्तान है, बहुत बड़ा असर पड़ता है टीम पर भी। बात करेंगे अभिलाष पांडे जी से, शुरुआत करते हैं सर, जो मैच हुआ अभी टेस्ट मैच हुआ, अगर विराट की फिटनेस को देखा जाए तो शुरुआत करें तो उनको अफ्रीका दौरे से ही उनको फिटनेस की समस्या होने लगी जो लगातार रही, आईपीएल में भी देखने को मिली और फिर अब ये लॉर्ड्स में, ये तो क्या ये आप ये समझ सकते हैं कि विराट की चोट को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है और वो आगे टीम के लिए समस्या बन सकती है? देखिए बिल्कुल लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विराट कोहली का कल मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा पीठ में दर्द है, मेरी शायद पुरानी चोट बाहर आ गई है और 5 दिन है अभी टेस्ट मैच में, 5 दिन में मैं फिट हो जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफ्रीका दौरे पर जब विराट कोहली को चोट लगी थी उसके बाद आईपीएल के बीच का जो डिस्टेंस था वहाँ पर भी उनको रेस्ट दिया गया था निदाहस ट्रॉफी के लिए, और उसके बाद वो सीधा आईपीएल में खेले थे। आईपीएल में भी उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली शुरुआती एक आध मैच खेलेंगे, लेकिन 2 मैच मिस करने के बाद उनकी वापसी हुई टीम में। लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने साफ तौर पर यह कहा था कि वर्कलोड और इतना प्रेशर और लगातार जो मैचेस मैं खेल रहा हूं इस वजह से मेरी फिटनेस पर असर पड़ रहा है जी। उसके बाद जब आईपीएल खत्म हुआ, आईपीएल विराट कोहली पूरा खेले, और विराट कोहली को एक आइडल माना जाता है। जब योयो टेस्ट की बात होती है तो विराट कोहली हमेशा या तो सबसे ऊपर होते हैं या तो दूसरे नंबर पर जरूर होते हैं। अगर हम बात करें योयो टेस्ट की, तो योयो टेस्ट के मुताबिक 16.1 का रेशियो चाहिए होता है योयो टेस्ट पास करने के लिए, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली 19-20 तक पहुंच जाते हैं जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए पैमाना सेट है। लेकिन अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो ये चोट है ये चिंता का सबब इसलिए है क्योंकि जब आईपीएल के बाद उनकी चोट का जब पूरा निरीक्षण किया गया था तो उनकी चोट सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द पीठ दर्द की नहीं थी, वो स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम बताई जा रही थी, और कहीं ना कहीं बाद में रिपोर्ट आई कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इनको अभी नहीं है। क्योंकि यहाँ से साफ तौर पर विराट कोहली अब भी अपने करियर के पीक पर हैं, अगर यहाँ उनकी सर्जरी होती है तो 6 से 8 महीना उन्हें लगेगा, और कहीं ना कहीं विराट कोहली भी ये बात जानते हैं कि अगर वो परफॉर्म उन्हें करना है, टीम में वर्ल्ड कप खेलना है, 2019 में विश्व कप है, तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात आपके जो फिटनेस कोच हैं ये उनको तय करनी चाहिए। अगर एक खिलाड़ी खुद आके सामने कह रहा है कि मुझे चोट है, मैं परेशान हूँ, तो फिर आप फिटनेस जो आपका जो कोच है उसे आप लेके क्यों गए हैं? अगर वो उन, क्योंकि हमने एग्जांपल देखा है, रिद्धिमान साहा चोटिल हुए, उनके हाथ में चोट लगी थी और उसके बाद उनके कंधे की सर्जरी का ऑपरेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। इतना बड़ा खिलाड़ी है विराट, और बड़ी बात यह है कि विराट कोहली को यहाँ पर समझना होगा कि वो कितने अहम है टीम के लिए, और उनकी फिटनेस जो है वो ये बात साफ है कि लगातार जो टीम इंडिया मैचेस खेलती है इस वजह से उनकी फिटनेस पर असर पड़ता है। और अगर ठीक है आज टेस्ट मैच आप मिस भी कर दीजिए, लेकिन आप अपनी चोट को अगर सही नहीं रखेंगे तो आगे चलकर उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। रिजवान जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि विराट कोहली को बताया गया कि उनकी पीठ में दर्द की समस्या है, जो कहा जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट या फिर वो जो रिपोर्ट्स आई मीडिया की उसमें कहा गया कि उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं है, हल्की चोट है। आपको क्या लगता है, दर्शकों को थोड़ा
बताएं उस चोट के बारे में। देखिए अंकुर जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह का फिलहाल विराट कोहली जी को जो दर्द हो रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से माना जाए तो आयुर्वेद में साफ साफ दिखाया जाता है कि अगर बैक पेन हो रहा है या फिर हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई दर्द होता है अचानक से, तो उसको हम यानी बहुत अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। एक तो होती है कब्ज की समस्या, दूसरा ये है कि हमारी जो जीवन शैली वो लगातार बदलती जा रही है और हमारा खान पान और हमारा रहन सहन ऐसा होता जा रहा है जिसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे दर्द हो सकते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे दर्द को अगर हम लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं तो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो अब जिस तरह का दर्द फिलहाल विराट कोहली को देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इसीलिए इसका यानी कि बहुत ही जल्दी से चेकअप कराना चाहिए जिससे समय रहते इस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, फिर इसका ट्रीटमेंट कराया जाए और फिर एक बार फिर से दोबारा से अच्छे से यानी स्वस्थ होकर हमारे बीच में मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि भारतीय टीम के जो कप्तान है विराट कोहली जी, वो पहले इतने ज़्यादा फिट नहीं थे। साल 2012 की अगर बात की जाए तो साल 2012 में जो उनके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे यानी कि पूर्व कोच थे, उनका नाम था डंकन फ्लेचर्स, उन्होंने उनको यानी कि सलाह दी कि आप अच्छी तरह से अपने फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और उस वक्त 11 से 12 किलो अपना वजन घटाया था विराट कोहली ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसके बावजूद से लगातार जिस तरह से विराट कोहली जी अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं वो कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी मतलब प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह की अभी फिलहाल की यानी कि जो समस्या देखने को मिल रही है भारतीय कप्तान विराट कोहली में, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है भारतीय टीम की वहां पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको रिकवर करने की कोशिश की जाए और ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो जल्दी से जल्दी इसका चेकअप कराया जाए। जी अभिलाष जी, आपसे एक सवाल मेरा, आपने भी बोला था, बताया था कि फिजियो जो है टीम इंडिया के उस पे उन्हें गौर करना चाहिए विराट की फिटनेस को लेकर। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, एक बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली और अब वर्ल्ड कप 2019 में आने वाला है, बड़ा वर्ल्ड कप है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें अगर मेन खिलाड़ी फिट नहीं रहता तो असर पड़ता है। तो जो फिजियो शंकर, वो कैसा, विराट कोहली की चोट उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये सीरियस हो सकती है और 19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का बड़ा नुकसान हो सकता है अगर विराट खेलते रहे। देखिए मुझे तो मैं क्लियरली एक चीज कहना चाहूंगा, तो मुझे ये साफ तौर पर लग रहा है कि विराट कोहली की चोट को जो है वो छुपाया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर उनकी डाइट और बाकी सारी चीजों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि डाइट की इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि फिजियो का काम है, आपके पास डाइटिशियन आपके साथ रहते हैं, मोटिवेशन जो आपको देते हैं वो भी अलग रहते हैं। तो टीम सिर्फ एक 18 लोगों की टीम नहीं गई है, वहां पर मैनेजमेंट के भी कई लोग हैं, टीम मैनेजमेंट जो है उसे डिसाइड करना होता है। जब आपका योयो टेस्ट हुआ जाने से पहले, अब योयो टेस्ट को कंपलसरी कर दिया है, योयो टेस्ट जब आपका हुआ तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में जो ये योयो टेस्ट हुआ वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ इनकी फिटनेस नहीं देखी जाती, इनकी चोट पर भी गौर किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने विराट कोहली का टेस्ट नहीं किया क्योंकि वो कप्तान है, क्योंकि अगर ऐसा था तो आपको राइडू को भी लेके जाना चाहिए था। अगर आपने टेस्ट किया तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली दौरे से पहले उन्होंने जो पहले उन्हें काउंटी खेलना था, लेकिन विराट कोहली ने रेस्ट मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, योयो टेस्ट मैं दे चुका हूँ। अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है या तो छुपाई गई हैं या विराट ने खुद छुपाई होगी अपनी जो तकलीफ है, क्योंकि हम आपको बता दें कि लॉर्ड से जरूर इंडिया हारी है, विराट कोहली नंबर 4 पर बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया के लिए और अपनी फेवरेट पोजीशन उन्होंने अजिंक्य रहाणे को दी। साफ पता था, पहले तो हर कोई शौक था कि विराट कोहली आखिर जल्दी क्यों नहीं आए, उसके बाद विराट कोहली आए, काफी दर्द में दिख भी रहे थे और स्टुअर्ट ब्रॉड को जिस गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड को विकेट मिली है, हम ये मान ही नहीं सकते कि विराट कोहली किसी शॉर्ट बॉल पर आउट होंगे, लेकिन जिस तरह से उनको पेन था, शॉर्ट बॉल को वो खेल नहीं पा रहे थे और उसके बाद उनका विकेट जो है इंग्लैंड को मिला और इस की विकेट को गिरने के बाद टीम इंडिया पूरी ताश के पत्तों की तरह ढही। दूसरी बात, जो आपने जैसा कहा कि टीम पर इम्पैक्ट जरूर डालता है क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं मौजूदा समय में, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों ने अपनी क्लास दिखा दी है, विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है जिनका टीम में होना बहुत जरूरी है और इनकी जो टेक्निक है, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, रन बनाते हैं, लेकिन अगर इनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं दैट मींस कि यहां पर अब विराट को अपनी सर्जरी या जो भी है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर बड़ी ना हो, जैसा रिजवान भाई ने कहा कि प्रॉब्लम अगर बढ़ जाएगी तो शायद ज्यादा दिक्कत है, आपके डाइटिशियन को आपसे मिलना चाहिए, आपके फिजियो को आपसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये प्लेयर डिसाइड नहीं करेगा कि वो 5 दिन में ठीक होंगे या 6 दिन में ठीक होंगे।
देखिए, ये आपने बात बिल्कुल सही की। अब ये सोचना टीम मैनेजमेंट को ही होगा कि अगर जी विराट कोहली को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए और नए जो खिलाड़ी हैं उनको एक बार मौका मिले तो ताकि ताकि जो 2019 वर्ल्ड कप आ रहा है जी उसमें नए चेहरे खेलने को, उनकी भी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए और विराट भी अपनी चोट से जल्द रिकवरी कर ले। बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बताया कि विराट की फिटनेस क्या है और उनकी जो चोट है उनकी समस्या क्या है, ये सारे विषय पर चर्चा की। तो इस खास चर्चा में आज हमने बताया कि विराट कोहली की जो चोट है वो कितनी गंभीर है, अगर उसमें उनको रेस्ट नहीं दिया गया तो भारतीय टीम को जैसे अभी इंग्लैंड के टेस्ट मैच में भुगतान करना पड़ा है हार के साथ, वैसे ही वर्ल्ड कप में अगर विराट ऐसे ही खेलते रहे, बराबर टीम में जगह बनाते रहे और अगर उनकी फिटनेस को नजरअंदाज किया गया तो टीम को भारी नुकसान हो पड़ सकता है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही, और लगातार हमारे चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके अपडेट पाते रहें। शुक्रिया। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।